बड़ी खबर जो कि अयोध्या से मिल रही है नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों के लिए खोले गए राम मंदिर के पहले दिन अयोध्या का हवाई सर्वे कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ ही यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। सुबह से जब ये खबरें मिलनी शुरू हुई कि वहां पे भक्तों की संख्या ज्यादा है, हालांकि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, लेकिन पूरा जो प्रशासनिक अमला है, जो सीनियर ऑफिसर है, वो सभी यहाँ पे पहुंच गए और अब खुद सीएम यहाँ पे यानी अयोध्या नगरी में मौजूद है। और ऐसे में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए भगवान रामलला के, ऐसे में वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना तो जरूरी है ही। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे वाक्य पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। वो भी पहुंचे हुए हैं बैठक के लिए, बैठक भी उनकी ओर से की जाएगी ताकि किसी भी तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पहला दिन है यानी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला दिन जब राम भक्त चाहते हैं कि हर हाल में दर्शन करें। हालांकि प्रशासनिक टीमों ने सबसे पहले गुजारिश की, अपील इस बात की कि हम सभी को दर्शन हर हाल में करवाएंगे, लेकिन थोड़ा संयम रखें, सब्र रखें। लेकिन राम भक्त चाहते हैं कि सबसे पहले वो जाकर दर्शन करें। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और सीधे मैं अपने सहयोगी रवि का इस वक्त रुख करूंगी। रवि, खबर तो अब ये मिलनी शुरू हो चुकी है, खबर क्या, हम तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या में है, यानी कल का कार्यक्रम और उसके बाद आज पहला दिन, और पहले दिन लगा कि कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, दर्शन करने में लोग बेकाबू हो रहे हैं, तो सीएम खुद पहुंच गए अपील करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई इस तरीके का शेड्यूल नहीं था अयोध्या आने का, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रोग्राम रहा, समारोह हुआ और संपन्न हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन इस तरीके से कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ेगी। जन सैलाब अयोध्या की सड़कों पर उमड़ पड़ा है, राम मंदिर की तरफ जा रहा है और प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेना चाहता है। इसलिए यहाँ पर एक बार हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर यहाँ पर आसमान में, अयोध्या के आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। और इसके बाद ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से क्राउड का मैनेजमेंट किया जाए, भीड़ को किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाए, उसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हमारे साथ में मिथुन महुआ है जो गायक हैं, बहुत खूबसूरत आपको गीत सुनाएंगे दर्शकों को। मिथुन जी सुनाइए। है ये कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। युग बदला साधु संतों ने, चलो अयोध्या किया ऐलान, गांव गांव से कार सेवा में निकले युवा बन के हनुमान, भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की, भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। मगर लोगों के मन में किस इस बात की है जो मंदिर बनने में देरी हुई है? अरे मंदिर बनने में देरी से राम भक्त शर्मिंदा थे, राम भक्त शर्मिंदा थे, मंदिर वही बनाएंगे प्रयास में हम सब जिंदा थे, प्रयास में हम सब जिंदा थे। जागा भारत सन 24 में मंदिर बन तैयार हुआ, मंदिर बन तैयार हुआ, 22 जनवरी राम भक्तों का सपना हर साकार हुआ, हर साकार हुआ। मंदिर ही न बनता तो जिंदगी किस काम की, मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। देखिए लगातार जो राम भक्तों का प्यार
समर्पित आप देख पा रहे हैं जी। रवि, तो उत्साह यहाँ पर राम भक्तों के अंदर देखने को जरूर मिल रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। वही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन था जब आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट खोले गए। पहले दिन ही राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और मंदिर में दर्शन का नया रिकॉर्ड बन गया। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और दोपहर 3 बजे तक करीब 3 लाख से ज्यादा राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके थे, जबकि अभी भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या की सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। लोगों को किसी हादसे से बचाने के लिए अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। और खुद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी व्यवस्था को संभालने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अयोध्या का हवाई सर्वे उन्होंने किया। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। रवि, देखिए उत्साह तो जरूर है, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस उत्साह को व्यवस्थित किया जाए। बैठक को लेकर और क्या जानकारी है, कब तक की बैठक होगी, कौन वो बड़े अधिकारी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी हो, एडीजी हो, सभी जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में यह बैठक हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी और जिसकी वजह से दर्शन में थोड़ी सी रुकावट आई थी, और उसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और अयोध्या आए हेलीकॉप्टर से। एक बार उन्होंने एरियल सर्वे भी लिया और इस समय क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भीड़ इसी तरीके से अगर जारी रहती है तो दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। लेकिन इस बीच में आपको खूबसूरत इसमें गीत सुनवाना चाहूंगा, मिथुन महुआ शानदार गीतकार हैं, शानदार गायक हैं, और इनसे मैं सुनवाना चाहूंगा। मिथुन जी सुनाइए जी। लो बन चुकी, देखिए ये गीत नहीं है, हाँ। जो इतने 500 वर्ष के बाद जो मंदिर बना है, हाँ। उसके सम्मान में ये गीत, हाँ। युवाओं का सम्मान है, आप लोग सभी लोग जय श्री राम। किलो बन चुकी जन्म भूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की, अरे अयोध्या तो एक झांकी है, बारी है अब मथुरा की। ऐ दुनिया वालों सुनो, हर वो कलंकी मिटाएंगे, सौगंध राम की खाए थे, देखो मंदिर वही बनाए हैं, सौगंध कृष्ण की खाते हैं, मथुरा में भी डंका बजाएंगे, क्योंकि श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, ज्ञान की पाठी पढ़ाए हैं, सीता माता त्याग की देवी, नारी को त्याग सिखाई है, अरे वंशज हैं हम श्री राम के, हम भक्त हैं हनुमान के, सीने को फर दिखलाएंगे, सौगंध राम की खाए थे, देखो मंदिर वही बनाए हैं, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनाइए सुनाइए जी। जय श्री राम।